ब्लैंक चेक में क्या होता है कि यहाँ इंसान साइन कर देता है, तो इस दुनिया में अमीर लोगों की भी कोई कमी नहीं है, तो ये डर हमेशा बना रहता था। अब आपको लगता होगा जो ब्लैंक चेक देता होगा बहुत ही पैसा वाला होगा। देखिए, एक चेक होता है ब्लैंक चेक। कौन सा चेक? ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक में क्या होता है कि यहाँ इंसान साइन कर देता है, यहाँ अपना नाम क्या कर देता है, साइन। यहाँ क्या कर दिया, साइन। और ये पैसा वाला खाली छोड़ देता है, भर लेना। क्या करना? भर लेना। उसी को क्या कहते हैं, ब्लैंक चेक। अब आपको लगता होगा जो ब्लैंक चेक देता होगा बहुत ही पैसा वाला होगा, ऐसा नहीं है, समझ में गया। अब जैसे आपको पता है कि आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपया है, दे दीजिए किसी को ब्लैंक चेक, ले भर लेना। 1,00,000 से ज्यादा भरा तो बाउंस हो जाएगा, समझ गए कि नहीं, बाउंस हो जाएगा। तो भाई आप ऐसे बाउंस चेक जो ब्लैंक चेक होता है ना, वो एक तो स्टेटस दिखाता है, घमंड, भर लेना इस पे, नहीं समझ आया, उसमें भर लेना है। आप पूछो ना, डॉलर में भर दे डॉलर में, लेकिन लेवे नहीं करता है ना, इंडियन रुपया में लेता है। यहाँ पर वो होता है बाउंस चेक, ये सब फिल्मों में देखते होंगे, कीमत बोल और यहाँ पे क्या दे देता, ब्लैंक चेक दे देता, साइन वगैरह सब कर देगा, बस क्या छोड़ देगा, पैसा वाला, अपने हिसाब से भर देना। तो इस दुनिया में अमीर लोगों की भी कोई कमी नहीं है, एक से एक होते हैं अमीर। और भी कई चीज़ें होते हैं, आप लिमिट लगा सकते हैं कि हमारे अकाउंट से एक बार में 10,00,000 या 20,00,000 से ज़्यादा निकलवे नहीं करेगा। अब ब्लैंक चेक दे दीजिए, लो भरो, अब वो बाउंसो नहीं होगा क्योंकि लिमिट के अंदर रहो। तो कई चीज़ हो सकते हैं, हालांकि ये सब चीज़ें रियल लाइफ में आज के समय में कोई नहीं दिखाने वाला है कि लो ब्लैंक चेक, कहना तो ब्लैंक चेक दे दे यहाँ पे, समझ में गया। अच्छा, एक बार मार दो 10 करोड़ 100-200 करोड़ मार दो उसको, काम खत्म, लेकिन कोई नहीं देता है जी ब्लैंक चेक। ये सब चीज़ें जो होती हैं दिखावे के लिए होती हैं, अहंकार दिखाता है कि लो ब्लैंक चेक, जो भर देना है यहाँ पर। चेक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन चेक से हमेशा एक रिस्क रहता है कि ससुराल बाउंस मत कर जाए, इसलिए कोई जल्दी चेक रिसीव करना नहीं चाहता अगर वो बिजनेस में ज़्यादा इन्वॉल्व है नहीं। तब अब जैसे बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है लोग तो ले ले, अब जैसे हम किसी को चेक देंगे तो ले लेता है, इनका चेक थोड़े बाउंस होता है। और दूसरा आदमी थोड़ा सा रेपुटेशन के लिए भी खराब लगेगा, बैंक वाला कहेगा सर जी आपका चेक बाउंस हो गया, तो थोड़ा एक रेपुटेशन भी खराब लगता है। लेकिन जिससे पहली बार कोई बिजनेस कर रहा है, पता चला नेपाल का आदमी है, मतलब व्यापारी है, कोई आसाम का है, कोई कहाँ का, कितना फेथ कीजिएगा किसी पर? आखिर फेथ का ही तो नतीजा है जो चेक बाउंस करता है। तो ये डर हमेशा बना रहता था किस पर, चेक पर, कि अगर बाउंस कर गया तो दिक्कत। और चेक में यही होता ही है, क्या कर जाता है, बाउंस कर जाता है। अब बाउंस कर गया, लड़ते रहिए केस, जुर्माना है वो अलग बात है, पहले ये देखिए कि केस लड़ना है।